है, तो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब एक्चुअल में क्या होता है, मान लो आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, एक सॉलिड क्यूब के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से उसका एरिया बढ़ा और फिर उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। लेंथ बढ़ी, एरिया बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा भी यूज़ हो रहा है इसमें, बीटा भी यूज़ हो रहा है और इसमें गामा भी यूज़ हो रहा है, आपको रिलेशन बताना है अल्फा बीटा गामा में, और जो रिलेशन इसके अंदर लगेगा वो हर दुनिया की बॉडी पे लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, रिलेशन निकालने के लिए एक क्यूब को लेते हैं, क्यूब की साइड मान लो कितनी है, एल है, और क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, एल क्यूब है, तो वी इज इक्वल टू एल क्यूब। अभी मैंने कोई टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया, मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय डेल्टा टी, तो नई लेंथ कितनी हो गई, एल डैश, तो एल डैश की वैल्यू क्या होगी, अभी एक फॉर्मूला करवाया था, एल इंटू वन प्लस गामा एल्फा इंटू डेल्टा टी, लेंथ इंक्रीज करने में एल्फा यूज करेंगे, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, नई लेंथ का क्यूब, नया वॉल्यूम नई लेंथ का क्यूब, नई लेंथ कितनी है, ये नई लेंथ है, इसका क्यूब करते हैं तो यहां से एल का क्यूब और यहां से इस पूरी टर्म का होल क्यूब, वी डैश आ गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से वी की वैल्यू आ गई, नई लेंथ आ गई, नया वॉल्यूम आ गया, इसे एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया और इसे भी ओपन कर दिया, 3ab को 3 अल्फा डेल्टा टी को इससे मल्टीप्लाई, तो 3 अल्फा डेल्टा टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अल्फा बहुत छोटा होता है न्यूमेरिकल्स में, 0.001 0.002, आप सोचो अगर 0.001 है अल्फा, एक्सपेंशन बहुत बड़ी थोड़ी ना होती है, तो अल्फा का क्यूब तो बहुत ही छोटा है, 0.000001, इतनी छोटी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर क्यूब की टर्म निगलेक्टेड, अल्फा स्क्वायर भी छोटा है निगलेक्टेड, हम सिंगल टर्म अल्फा में काम करेंगे, बाकी निगलेक्ट कर, इवन न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जहां जहां आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर आएगा, उसको छोड़ते जाते हैं। तो आपकी टर्म निगलेक्ट होने के बाद ये दो टर्म बच गई, एल क्यूब इंटू वन एल क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई, एल क्यूब क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वी डैश माइनस वी की वैल्यू क्या आ गई, ये जो बची वो वी डैश माइनस वी है, लेकिन हमने गामा की टर्म में भी तो वी डैश किया था, तो गामा की टर्म में वी डैश क्या है, वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, वी को मल्टीप्लाई कर लिया, यहां से वी डैश माइनस वी निकाल लिया, एक वी डैश माइनस वी अल्फा की तरीके से निकाल लिया और एक वी डैश माइनस वी गामा की फॉर्म में निकाल लिया। अब इसे और इसे क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके वी से वी कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, फॉर्मूला मार्क कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 का फॉर्मूला मार्क करें। अब सेम चीज है, वो कहता जी बीटा का रिलेशन भी निकालो, अब सोचो मुझे फिर से डेरिवेशन करनी पड़ेगी, सरफेस एरिया क्या है, एल स्क्वायर, नया सरफेस एरिया क्या है, एल डैश स्क्वायर, तो एल डैश की वैल्यू को एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी फिर एक्सपेंड करेंगे, अगर हम करें तो लिखना नहीं है, करना नहीं है, लिख देना है, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली बस एक लाइन पे लिख देना है क्या कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, तो हमने आधा तो प्रूव कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, तो फॉर्मूला आ गया अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, और ये डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।